असम उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार होने के साथ ही सात बहनों का प्राण केंद्र, देश के स्वप्न दृष्टा नेता, प्रगतिशील नायक और पूर्वोत्तर के विकास के लिए सतत प्रयासरत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबल नेतृत्व और दिशा निर्देश में असम सरकार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन लाने में सफल रही है। प्रधानमंत्री के स्वप्न और संकल्प सबके लिए स्वास्थ्य सेवा से प्रेरित होकर असम सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने के प्रयास में लगी है। राज्य में अभी 7 चिकित्सा महाविद्यालय रोगियों की सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। उसके अलावा केंद्र सरकार के वित्तीय मदद से अन्य 6 चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणाधीन हैं। ये है नलबाड़ी, धुबरी, लखीमपुर, नौगांव, कोकराझार और तिनसुकिया। कोविड के संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अदम्य साहस, सहयोग और सबल नेतृत्व में असम के स्वास्थ्य विभाग ने महामारी से जूझने की शक्ति प्राप्त की। केंद्र से 18,250.28 लाख रुपए असम को आवंटित किया गया। कल्याणकारी केंद्र सरकार की मजबूत पहल और आर्थिक सहयोग से असम सरकार ने 2 नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की पहल की है। ये 2 चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित होंगे ऊपरी असम के सौराइदेव और उत्तर असम के विश्वनाथचारियाली में। 564.43 करोड़ रुपए की लागत से विश्वनाथ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा और सौराइदेव में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में 557 करोड़ खर्च किए जाएंगे। दोनों मेडिकल कॉलेजों में 500 बिस्तर और चिकित्सा शिक्षार्थियों के लिए 100-100 सीट उपलब्ध होंगे। इस बीच दोनों अस्पतालों के निर्माण कार्य की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। सिर्फ स्वास्थ्य सेवा ही नहीं, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना भी केंद्र और राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। 2016 तक काफी बदहाल स्थिति में रहे राज्य की सड़कों के विकास के दृढ़ लक्ष्य के साथ लोक निर्माण विभाग ने राज्य और जिलाओं के राजमार्गों के विकास के सपने को साकार करने के लिए सन 2018-19 में 305 करोड़ रुपए की लागत से एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया। इस परियोजना की सफलता से अनुभव लेते हुए राज्य के 550 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के कुल 5,556 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना तैयार की जा चुकी है, जिसका नाम रखा गया असममाला। हम सभी के लिए ये सौभाग्य का क्षण है। प्रगति के मंत्र के साथ सरकार द्वारा राज्य की उन्नति के लिए शुरू किए गए इन योजनाओं का आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से शुभारंभ करेंगे। आइए हम सभी विकास के इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनें।